विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स लेक्चर्स इन हिंदी। इकोनॉमिक्स लेक्चर्स इन हिंदी में हम आपको बताएंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। इन थ्योरी ऑफ कॉस्ट आप समझेंगे टोटल कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है, इसमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू तथा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में समझेंगे, उसमें क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम्स हैं, मींस लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आपके बिल्डिंग है तो उसको आप रेंट देते हो, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, इसका हम एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी जिसको आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझते हो वो क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन की। इस तरह से इकोनॉमिक्स लेक्चर्स इन हिंदी में आप तकरीबन हर एक विषय जो इकोनॉमिक्स का है उसको समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।